नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर और मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर से ही बताते चले कि कल सुबह किस तरह से एक अहम खबर देखने को मिल सकती है, क्योंकि बताया गया है कि कल 3 बजे चुनाव आयोग की तरफ से एक बड़ा ऐलान हो सकता है लोकसभा चुनावों को लेकर, और 7 से 8 चरणों में ये चुनाव हो सकते हैं। लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर एक एक चरण में चुनाव होंगे। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर यहाँ उमर अब्दुल्ला की तरफ से एक बड़ा बयान जारी किया गया है कि उम्मीद जताई जा रही है कि लोकसभा चुनाव यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर अगर होते हैं तो फिर विधानसभा के चुनाव भी जल्द ही यहाँ पर कराए जाने चाहिए, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर वो बात कर रहे हैं कि शुरुआत जम्मू कश्मीर से ही होनी चाहिए। लोकसभा चुनावों के साथ साथ ही विधानसभा चुनाव भी जम्मू कश्मीर के अंदर हो जाने चाहिए। यानी कि जिस तरह से एक बड़ा कल यहाँ पर देखा जा रहा है कि किस तरह से ऐलान हो सकता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से, कल 3 बजे बैठक हो सकती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है और चुनावों को लेकर बड़ा ऐलान हो सकता है। 7 से 8 चरणों में ये चुनाव होंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की तरफ से एक बड़ा बयान जारी किया गया है जिसमें वो कह रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन की यहां पर बात हो रही है तो शुरुआत जम्मू कश्मीर से अगर होती है तो काफी तरीके से खुशी की बात है, क्योंकि लोकसभा चुनावों के साथ साथ विधानसभा के चुनाव भी यहां पर होने चाहिए, आम जनता इसी का इंतजार कर रही है। चलिए इस पर ही बात करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस से मुजफ्फर खान ने हमारे साथ ज्वाइन किया है, बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। बीजेपी पार्टी से बलदेव सिंह बलोरिया है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। कांग्रेस से हमारे साथ सरदार तेजा सिंह जी है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो मैं मुजफ्फर जी आप ही के पास आऊंगी। जिस तरह से उमर अब्दुल्ला की तरफ से एक बड़ी बात कही गई और कल एक बड़ा ऐलान भी होने वाला है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, मुजफ्फर जी बलोरिया जी जवाब दीजिए जरा, उमर अब्दुल्ला की तरफ से जो एक बड़ा बयान जारी हुआ है। बिल्कुल अच्छी बात है, चुनाव की तारीखें शायद जिस तरह टीवी पे सुन रहे हैं हम भी सुन रहे हैं कि घोषणा होगी और लोग तैयार हैं, भारतीय जनता पार्टी तैयार है। ये चुनाव आयोग का अपना फैसला होता है क्या करना है। हम शुरू से ही कहते आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए हर जगह तैयार है। हम 24 घंटे 24x7 लोगों के बीच रहने वाले और निरंतर पार्टी के लिए काम करने वाले लोग हैं, लोगों के लिए काम करने वाले लोग हैं। चुनाव का स्वागत है जहाँ भी होता है, चाहे पार्लियामेंट का होता है, असेंबली के साथ होते हैं, जो भी होता है हम उसके तैयार हैं, भारतीय जनता पार्टी उसके लिए तैयार है। तेजा सिंह जी, देखें जी, काफ़ी अरसे से इस बात के लिए लोग वेट करते थे कि इलेक्शन का बिगल कब बजेगा, यहाँ तक कि जहाँ तक हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से मैं बोलूँगा कि हम काफ़ी अरसे से अपनी तैयारियों में जुटे हुए थे और हम इलेक्शन का ऐलान होता है उसको वेलकम करेंगे और पूरी कोशिश के साथ हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे और हमें उम्मीद करते हैं कि ये जो इलेक्शन है बिल्कुल आज़ादाना तौर पर होनी चाहिए और मुनसफाना तौर पर होनी चाहिए ताकि लोगों को अपने वोट देने का हक हासिल हो। और हम तो चाहते थे कि इसके साथ ही असेंबली की इलेक्शन भी हो, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन की जो बात चल रही थी, जम्मू कश्मीर को हम हिंदुस्तान का ताज कहते हैं, अगर इसी रियासत से वो बात शुरू होती तो बहुत अच्छा था। कल जब ऐलान होगा उसके बाद यहाँ पर एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन का चुनाव है, यानी कि महागठबंधन जो बने हैं, लेकिन कुल मिलाकर अब तैयारियों पर बात करना बहुत जरूरी है कि आखिर एनडीए और इंडिया गठबंधन की तैयारियां किस तरह से हैं कि अब यहां पर बिगुल जैसे ही फूटता है तो अपने अपने काम में जुड़ जाएंगे। देखें जी, सबसे बड़ी बात यह है कि काफी अरसे से सारी पार्टियां अपनी इलेक्शन की तैयारी में लगे हुए ही हैं और हम भी, कांग्रेस के लोग भी बिल्कुल पूरे मुल्क में इस इलेक्शन की तैयारियों के लिए लगे हुए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इंडिया गठबंधन जो है वो बड़ी शिद्दत के साथ और बड़ी ही मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ेगा। मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन इलेक्शन लड़ेगा, बिल्कुल मुबारक है इनको, लड़े लोगों में भी जाएं और हम भी लोगों में भी जाएंगे। हम तो इनकी बात नहीं करते, इनकी तैयारी क्या है क्या करेंगे, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी की तैयारी करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और जो लोगों का मन है वो 400 पार के लिए है। इस बार अवश्य भारतीय जनता पार्टी का जो नारा इस बार 400 पार का है उसको पूरा होगा, लोग पूरा करेंगे, पूरा सहयोग देंगे। हम लोगों के बीच लगातार जा रहे हैं, जिस तरह लोगों का सहयोग मिल रहा है, हम लाभार्थियों के पास जा रहे हैं, जिस तरह लाभार्थी हमें एक बड़ा स्वागत कर रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री ने जिस तरह हमारे जीवन को सुधारा है, उसको सब चीज़ें देखते हुए हमें पूरी उम्मीद है कि 400 पार का नारा होगा और जम्मू कश्मीर में भी एक ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी। सरदार तेजा सिंह जी, जिस तरह से 2014 के अंदर चुनाव हुए थे तो भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी जीत हासिल की थी। 2014 में
228 सीटें जीती थी, जबकि आप देखिए 19 में 303 सीटें जीत ली। अब एनडीए यहां पर 353 सीटें हासिल की थी और बीजेपी को यहां जो वोट बैंक था, वोट शेयर जो था, वो 37.7% से ज्यादा वोट मिल गए थे। लेकिन एनडीए के पास 353 सीटें हासिल उन्होंने की थी और बीजेपी ने 37.7। लेकिन अगर हम कांग्रेस को लेकर बात करते हैं तो कांग्रेस 52 सीटों पर ही यहां पर सिमट गई थी। तो इस तरह से अब इस बार किस तरह से कांग्रेस जो है वो काम करेगी? देखिए जी, वजह ये है कि उस वक्त बीजेपी का ये नारा था कि जो आज तक जो हुकूमतें रही हैं उन्होंने काम अच्छी तरह से नहीं किया है, हम बड़ी ईमानदार हुकूमत आपको देंगे, हम मुलाजमत आपको देंगे, आपके तमाम जो मसाइल हैं उनको हल करेंगे। काफ़ी जुमले जो हैं इन्होंने लोगों को लुभाने के लिए कहे और लोगों ने भी इन पर भरोसा किया और हमने उस फैसले के सामने सर तस्लीम में खम किया, लोगों ने इनको मैंडेट दिया और ये जीते। लेकिन 10 साल के जो इनका ग्राफ अगर आप देखें, 10 साल में इन्होंने अपने किए हुए वादों पर कहाँ तक ये खड़े उतरे, क्या क्या इन्होंने किया, खास तौर पे रोजगार के मसले में आप देखें या बाकी कई मसले हैं जिन मसलों का कुछ भी नहीं हुआ। इस वक्त आप देख रहे हैं किसान कहाँ हैं, मजदूर कहाँ हैं, हर जगह इस रसाकशी हो रही है, हुकूमत की मुखालफत हो रही है। बाकी ये खुशफहमी के लिए 400 पार कहें या 500 पार कहें, मगर अब फैसला जनता के पास है, जनता जनार्दन है, जनता ने फैसला करना है। जिसको भी जवाब दीजिए बलोरिया जी। बिल्कुल, तेजा सिंह जी कह रहे हैं कि जनता जनार्दन ने फैसला करना है, हम भी वही कह रहे हैं कि जनता जनार्दन फैसला करेगी। और आप बोल रहे हैं जी कि इन्होंने क्या किया, अपने क्या लेके जाएंगे लोगों के पास, तो मैं वही बताना चाहता हूँ। हमारा वायदा था, मैनिफेस्टो में था, हम दवा 370 तोड़ेंगे, हमने तोड़ा है। हमारा वायदा था कि हम राम मंदिर बनाएंगे, बनाया है, सीए लागू हुआ है। जो भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के साथ वायदे किए थे वो पूरे किए हैं और उनकी आशा और अपेक्षा से आगे किया है, इसलिए कहते हैं कि मोदी की गारंटी है। उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि अगर जो कहते हैं वो बेहतर रहेगा। बलोरिया जी, क्या जम्मू कश्मीर से शुरुआत होगी लोकसभा चुनावों के साथ साथ विधानसभा के चुनाव? पहले तो मैं तेजा सिंह जी कहता हूं कि पहले अपनी पार्टी का पक्ष ले लो, वो कहते क्या है, उनका वन नेशन वन इलेक्शन का जो स्टैंड है उसके ऊपर इनका क्या स्टैंड है, इसको पहले इसका ये जवाब दें, क्योंकि इनकी पार्टी तो सपोर्ट ही नहीं कर रही वन नेशन वन इलेक्शन को। तो हमारा है, चलिए मुजफ्फर जी ने ज्वाइन कर लिया है। मुजफ्फर जी, कल बड़ी घोषणा होने वाली है, आवाज आ रही है मुजफ्फर जी? तेजा सिंह जी जवाब दीजिए जरा। देखे जी, जिस तरह ये कहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन पे इनका क्या मौकफ है, मैं कहता हूं जब इन्होंने हुकूमत ने जो पार्टी बरसर इक्तदार है उन्होंने ढंके की चोट में पूरे देश में ये कहा कि हम चाहते हैं कि वन नेशन वन के तहत इलेक्शन हो, और अगर इनका वो कहना सच था तो फिर इनको आज इस वक्त असेंबली के इलेक्शन भी यहाँ करानी चाहिए थी, शुरुआत यहाँ से करनी चाहिए थी। तेजा सिंह जी, ऐसे नहीं है, एक कमेटी बनाई गई है इसके लिए। कल ही पूर्व राष्ट्रपति कोविंद जी ने रिपोर्ट राष्ट्रपति महामहिम मुर्मू जी को सौंपी है और उसके बाद उन्होंने जो फाइंडिंग उसकी आई है उसको इम्प्लीमेंट होगा, देश का कानून है, बनेगा, वन नेशन वन इलेक्शन की पार्टी की घोषणा है वो करेंगे। बॉन्ड को लेकर भी घेर, लेकिन आप कहते हो कि कल हुआ है, हम इसमें काम कर रहे हैं, आज नहीं कर रहे, लागू होगा। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आपको क्या, आप कैसे कह रहे हैं, शुरू कर चुका है, क्या हो गया बलोरिया जी, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर भी अब विपक्ष घेरना शुरू कर चुका है भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल, ये कह सकते हैं, इसमें तो कोई बात नहीं है, लेकिन हम कहीं भी, हमारी हमारी पार्टी का नारा है नेशन फर्स्ट पार्टी सेकंड और सेल्फ लास्ट पे काम करते हैं, हम लास्ट में काम करते हैं, हम देश के लिए काम करते हैं, देश की तरक्की और उन्नति के लिए काम करते हैं। जवाब दीजिए, इसलिए 2047 तक विकसित भारत बनाने का हमारा जो नारा है उसके ऊपर चलेंगे, ये तो कोई बहाने ढूंढते हैं। आपने जो बॉन्ड्स की बात की, मुजफ्फर जी आवाज आ रही है? हाँ जी जी आ रही है। जो आपने बॉन्ड्स की बात की है इसको तो मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने नकार दिया है और उन्होंने कहा है ये सिर्फ आपस में एक दूसरे को। चलिए सीधा मुजफ्फर जी आप ही के पास आऊंगी, बिल्कुल भी समय ना गवाते हुए, जिस तरह से उमर अब्दुल्ला की तरफ से भी आज बड़ी बयानबाजी की गई, उन्होंने कहा कि वन इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन का अगर काम चल रहा है तो फिर जम्मू कश्मीर से चलना चाहिए, लोकसभा के साथ साथ विधानसभा चुनाव, आप ही की पार्टी की तरफ से आया है ये बयान।
आशा जी, ये मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ा बयान है जिस तरह आप कह रही हैं। बहरहाल ये बात सही है कि जम्मू कश्मीर में पिछले 5 साल से इलेक्शन नहीं हुए, बल्कि 10 साल से, 2014 में इलेक्शन हुए और 2024 हो गया। अगर वन नेशन वन इलेक्शन की बात अगर कोई पार्टी करे तो सबसे पहले उनको चाहिए था कि जम्मू कश्मीर में, क्योंकि ड्यू है और पिछले 10 साल से इलेक्शन नहीं हुआ है तो यहाँ इलेक्शन होना चाहिए और साथ होना चाहिए पार्लियामेंट। जब पार्लियामेंट के लिए आपके लिए हालात ठीक हैं तो मुझे नहीं समझ आई कि असेंबली के लिए वो हालात ठीक क्यों नहीं है। इसका क्या जवाब दे सकता है कोई आदमी कि नहीं जी पार्लियामेंट में तो हम इलेक्शन करवाएंगे, वोट डाल सकते हैं लोग, हालात भी ठीक है, सिक्योरिटी भी ठीक है और असेंबली के लिए नहीं है। और एक तरफ आप कहते हैं कि हालात ठीक हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि अभी हम स्टेट रिस्टोर नहीं कर सकते क्योंकि हालात सामान्य होंगे तो तब देंगे। फिर मुझे ये बताओ, फिर ये बात क्यों, दोनों बातें क्यों मुतजाद आप करते हैं? या तो एक बात कहें, या तो कहें कि हम कंप्लीटली फेल्ड हो गए। हमारा जो 5 अगस्त 2019 को जो नारा लगा था कि भाई 370 तमाम इन जितनी भी मुसीबतें हैं इनकी जड़ है, उस जड़ को ही हमने उखाड़ दिया, कोई मुसीबत नहीं रही तो फिर तो ठीक है। हम मानते हैं कि भाई इसका मतलब कि 5 साल में अब हर चीज सामान्य हो गई। आप दोनों चीजें कह रहे हो, एक तो ये भी कह रहे हो कि हालात बहुत बेहतर हो गए, एम्प्लॉयमेंट बहुत हमने दे दी। मुजफ्फर जी जवाब ले लीजिए, जवाब दीजिए कि अगर हालात बिल्कुल सही हैं तो फिर राज्य का दर्जा बहाल होना चाहिए। थोड़ा करेक्ट करूंगा भाई साहब जी को। मुजफ्फर जी जवाब ले लीजिए, फिर क्यों आप कहते हो कि नहीं असेंबली इलेक्शन नहीं हो सकते हैं, उसके लिए क्या वजह है? मैं मुजफ्फर खान जी को करेक्ट करूंगा कि कह रहे हैं कि 10 साल से चुनाव नहीं हुए, ऐसा नहीं है। 2019 में लोकसभा के चुनाव हुए, 2018 में पंचायतों के चुनाव हुए, लोकल वार्ड के चुनाव हुए, बीडीसी के चुनाव हुए। आपने कहा 2010 साल से यहाँ कोई चुनाव नहीं हुआ, तो ये चुनाव हुए हैं। जहां रही असेंबली की बात, मैं वो भी उस पर भी आ रहा हूँ। बात सुन लो खान साहब, बात सुन लो, मैं कर रहा हूँ बात, वो भी आप सुन लो। आप इधर उधर की मत करें, सुनो ना बात, मैं सुना रहा हूँ। आप बीच में टोक रहे हो, मैंने आपको सुना, आप आराम से सुन लो। और दूसरा, जहां तक असेंबली की बात है, 5 अगस्त 2019 को जहां पे ड्यूटी बनाई, 370 तोड़ा, लोगों को बहुत बड़ा तोहफा दिया जम्मू कश्मीर की केंद्र की सरकार ने, उसके बाद सरकार ने डिलिमिटेशन की, डिलिमिटेशन का प्रोसेस चला रहा। कान साहब पर बात सुनने चाहिए थोड़ी, आप सीनियर लीडर है, क्षमता रखो बात सुनने की। तो सीनियर बात सुननी चाहिए, मैं आपकी बात सुनूंगा पूरी। और जो डिलिमिटेशन का प्रोसेस हुआ, उसके खत्म होने के बाद 90 सीटें आई। आपने जो गुजर और बकरवाल कम्युनिटी को महफूज रखा था उनके हक के लिए, हमने 9 सीटें उनके लिए रिजर्व की, कुछ प्रोसेस था सबको पूरा करने बाद। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव को कहा है कि आप चुनाव कभी भी करा सकते हो, भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं कहा चुनाव नहीं कराना। मुझे एक चीज बताएं, आप इसको तोहफा कहते हैं कि हमने रियासत को छीनकर यूटी बनाया, 370 रूपी राक्षस को खत्म करके हमने बहुत बड़ा तोहफा दिया। और भारतीय जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो था, एजेंडा था हमारा, हमने लोगों के साथ वादा किया था, उस वादे को हमने निभाया है एक एक करके। आप हमें बीजेपी वालों से हमें तवक्को है कि ये एक्सप्लेन करेंगे कि ये कौन सा तोहफा है कि तुमने रियासत को छीन के, यहाँ की एम्प्लॉयमेंट को छीन के, यहाँ की रोजगार को छीन के, आपने यूपी से रेता और बजरी का ठेकेदार भी यूपी और बिहार का लाया, यहाँ यहाँ के बिजनेसमैन को क्रश करके आपने कौन सा तोहफा दे दिया हमको? किस तोहफे की बात कर रहे हैं आप सरदार जी? ये 370 जिसकी आप कहते हैं, ये महाराजा ने दिया था 1927 में भी मिला था। शेख अब्दुल्ला और नेहरू की गलती को हमने सुधारा था। शेख अब्दुल्ला और नेहरू की गलती को हमने सुधारा है। 1927 में नेहरू जी नहीं दिया था। ठीक है मुजफ्फर, इंफॉर्मेशन के लिए। बलोरिया साहब की बात पर मुझे भी ताज्जुब हो रहा है कि 200 साल पुरानी रियासत जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी रियासत थी और जब हिंदुस्तान आजाद हुआ उस वक्त जम्मू कश्मीर की ये जो रियासत थी एक आजाद रियासत थी और बहुत बड़ी रियासत थी, फिर बाद में इसका इलाक हिंदुस्तान के साथ हुआ, और ऐसी बड़ी रियासत को, 200 साल पुरानी रियासत को तोड़ के 2-3 हिस्सों में बांट देना, ये कोई तोहफा नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के लोगों की हक तलफी हुई है।
और लोगों को इस बात का बहुत ज्यादा मलाल है कि ये सरासर गलत हुआ है। लेकिन अब हम उम्मीद रखते थे कि होम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में भी कहा है कि हम ये स्टेटहुड रेस्टोर करेंगे, हम उस दिन का इंतजार करते हैं, जल्दी से जल्दी इनको जम्मू कश्मीर की स्टेटहुड जो है वो वापस करनी चाहिए। मैं शायद आपको पूरा ज्ञान नहीं है, अगर किसी ने स्टेट को तोड़ा था तो आजादी के बाद स्टेट हमारी बड़ी थी, नेहरू और शेख की गलती की वजह से ये स्टेट को तोड़ा, ऑक्युपाइड कश्मीर जो है हमारी फौजें जीत रही थी, लेकिन नेहरू और शेख अब्दुल्ला जी की दोस्ती ने आधी स्टेट जो थी पाकिस्तान को दे दी, ऑक्युपाइड कश्मीर बना दिया, तब उन्होंने तोड़ी थी, वो तोड़ी थी, हमने तो इसको ड्यूटी बनाया, एक इंच भी भूमि हमने किसी को नहीं दी, वो कह रहे हैं एक इंच भी जगह हमने नहीं दी है किसी को। दूसरी बात जो है, दूसरी बात कर रहे हो आप कि जिसकी बात करते हो कि नेहरू और शेख की दोस्ती जो 370 था, जो महाराजा हरि सिंह जी ने जो स्टेट का इलाक जम्मू कश्मीर के का हिंदुस्तान के साथ किया था, वो पूरी और पूरी कश्मीर का किया था, लेकिन आप लोगों ने आधी कश्मीर उनको दे दी, वो था कश्मीर को तोड़ना, वो था स्टेट को तोड़ना, हमने तो आतंकवाद से, हमने 370 रुपये राक्षस से लोगों को मुक्ति दिलाई है। मुजफ्फर जी ये कह रहे हैं कि किसका काम था स्टेट को पूरा, नेहरू जी ने दिया है, आप मेहरबानी करके पिछले 10 साल से आप कह रहे हैं कि हम ये ले रहे हैं वापस, चिंता नहीं करो, आप मेहरबानी करो लेके आ जाओ, हम भी साथ हैं आपके, हम आपके साथ देने के लिए तैयार हैं, हम आपके साथ जंग लड़ने के लिए तैयार हैं, ले लो वापस, किसने, आप तो पिछले 10 साल से यही ढंडोरा पीट रहे हैं ना कि हम पीओके को वापस जोड़ना चाहते हैं, 370 का और पीओके का कोई, पीओके के लोग खुद ही कह रहे हैं हम हिंदुस्तान के साथ जुड़ना चाहते हैं, आ जाएंगे, चिंता मत, आइनसाज असेंबली ने दिया हुआ था, आइनसाज असेंबली ने 370 ठीक है मुजफ्फर जी, महाराजा ने बनाई थी, देखे जी ठीक है ठीक है मुजफ्फर जी, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में ये बोलूं कि जिस वक्त हिंदुस्तान क्या हो गया मुजफ्फर, जम्मू कश्मीर का इलाका हुआ उससे पहले पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर अटैक करके काफी एरिया जो था उस पर कब्जा कर लिया था, ये तो बवक्त नेहरू जी की और पटेल साहब की बरवक्त कार्रवाई की वजह से जब हिंदुस्तान का इलाक हुआ उसके बाद हिंदुस्तान की फौजों को ये इख्तियार मिला कि वो जम्मू कश्मीर में जाएं, और उन्होंने आके जम्मू कश्मीर की रियासत को, जितनी भी रियासत इस वक्त जम्मू कश्मीर की हमारे पास है वो सिर्फ कह रहे हैं कि हम सब आपके साथ हैं, पीओके के अंदर जो हमारी जमीन है उसे वापस ले, जम्मू कश्मीर के साथ है तो देश के महाराजा हरि सिंह जी की वजह से है, हमारी फौजें आगे बढ़ रही थी, आपने रोका, जीता हुआ इलाका वापस पाकिस्तान को दे दिया, करेक्ट करो पूरी हिस्ट्री, देखो क्या है, आपको पढ़नी चाहिए किताबें, हमारी फौज क्या थी, हमें धन्यवाद। तो फिलहाल आपने देखा कि लोकसभा चुनावों को लेकर कल एक बड़ा ऐलान होगा और 3 बजे का समय बताया गया है कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है, लोकसभा चुनावों को लेकर बड़ी अपडेट जो है वो सामने आ सकती है। लेकिन फिलहाल आपने देखा जम्मू कश्मीर के अंदर भी सियासी सरगर्मियां लगातार तेज हैं, विपक्षी पार्टियां पूरी तरह